जी हां, संजय लीला भंसाली की पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। एक कड़े विरोध के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म साबित हो चुकी है। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी जीत के परचम लहरा रही है। इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की फिल्म ने यूएसए और कनाडा में भी अच्छी खासी ओपनिंग की है। फिल्म ने अपने पहले दिन 1.20 मिलियन का कारोबार किया है। दीपिका की पद्मावत ने इस मामले में आमिर खान की फिल्म धूम 3 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रणबीर बने अलाउद्दीन खिलजी ने धूम 3 को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटाई है। हालांकि दीपिका और रणबीर की पद्मावत इस मामले में प्रभास की बाहुबली से काफी पीछे चल रही है। बाहुबली की बराबरी करने के लिए फिल्म को आने वाले हफ्तों पर काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बता दें, फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ऑस्ट्रेलिया में 6.45 करोड़, न्यूजीलैंड में 1.24 करोड़ जबकि उत्तर अमेरिका में 20.10 करोड़ कमा लिए हैं। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत को अपने पहले दिन से दर्शकों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। शाहिद कपूर फिल्म पद्मावत में महाराजा रतन सिंह के किरदार में हैं, तो वहीं दीपिका रूप की धनी रानी पद्मावती के किरदार में हैं, तो वहीं रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में हैं। फिल्म में रणवीर के कैरेक्टर की हर जगह वाहवाही हो रही है। फिल्म की सफलता को देखकर फिल्म की टीम फूले नहीं समा रही है। संजय लीला भंसाली फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि अच्छे किरदारों और अच्छी कहानी के चलते फिल्म जीत के परचम लहरा रही है। न्यूज रूम से फिल्म अड्डा की रिपोर्ट।